बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी कुकिंग विद मरियम। तो आज हम बना रहे हैं अफ्तार स्पेशल फ्रूट सैलड की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग इसे रशियन सैलड भी कहते हैं, लेकिन रशियन सैलड में सब्जियों का इस्तेमाल होता है और हमने सिर्फ फ्रूट इसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे फ्रूट सैलड ही कहते हैं। तो चलिए फ्रूट सैलड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिया है हमने बाउल, इसमें हम डालेंगे एप्पल जिसे कि उसमें काट लिया है और बनाना, दोनों फ्रूट्स हम इसमें शामिल कर देंगे बाउल में। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें मिक्स कॉकटेल, आप अपने पसंद के मुताबिक भी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम इसमें मायनीज़ की क्वान्टिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रूट की क्वान्टिटी के हिसाब से। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें मिल्क बैग क्रीम, आप इसमें घर की बलाई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम ली है। जितनी फ्रूट की क्वांटिटी होगी उसी के हिसाब से आप इसमें मायनीज और क्रीम का इस्तेमाल करिएगा। हमने यहाँ पे एक बॉल के हिसाब से इसमें क्रीम और मायनीज शामिल की है। तो यहाँ पर हमने क्रीम शामिल कर दी है इसमें। तो अब शामिल करेंगे हम 3 टीस्पून पिसी हुई शुगर, पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे फ्रूट सैलड में। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे जैसे कि टाइम कम होता है, आप कम टाइम पर बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा ये फ्रूट सैलड बना सकते हैं। बहुत ही बनाना आसान है इसे और खाने में बहुत डिलीशियस है ये। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए हैं कॉकटेल के अलावा, वो हर घर में मौजूद होते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें सब्जियों का इस्तेमाल कर देंगे तो ये रशियन सैलड बन जाएगा। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वह सारे ही हेल्दी हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रूट सैलड हो गया तैयार। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है, आप इसे अफ्तार पार्टी पे बनाएं तो सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इजी कुकिंग विद मरियम को और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।